हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेकर आए हैं। आज के इस ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिटिया के बरहों का वीडियो। तो देखिए, हमारी भाभी बाहर निकल चुकी हैं। आज हमारी भाभी का पूरा मेकअप हुआ है और आज वो बाहर निकली हैं। तो देखिए हमारे यहाँ किस तरह से सूर्य पूजन होता है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिए। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। नाव है हमारे यहाँ, ऐसे ही पूजा की जाती है, ऐसे ही बिठा दिया जाता है और पूजा की जाती है। ये हमारी भाभी आंगन में बैठी हुई हैं और सूर्यदेव की पूजा कर रही हैं। आज के दिन भाभी को धूप दिखाई जाएगी, बिटिया को भी। बिटिया तो रोज़, वैसे डॉक्टर ने बोला था धूप दिखाने के लिए, तो बिटिया को तो रोज़ धूप दिखाई जाती है, लेकिन भाभी हमारी आज बाहर निकली हैं। आज बिटिया का बरहो है तो हम सब लोग आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कोरोना टाइम चल रहा है इसलिए मम्मी ने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं की है, हल्का फुल्का प्रोग्राम किया है। तो देखिए, सिर्फ हम बहनें आए हुए हैं और हमारी मामी जी आई हुई हैं, मौसी आई हुई हैं। ये देखिए बिटिया हमारी सो रही हैं, बहुत ज़्यादा सोती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी गुड़िया रानी बहुत ज़्यादा सोती हैं, अभी इनको सिर्फ नींद ही नींद आती है और कुछ नहीं। इनको भूख लगती है तो ये जग जाती हैं और फिर लगातार ये सोती रहती हैं। तो अभी भी ये इस टाइम सो रही हैं। ये भाभी हमारी चावल छिड़क रही हैं चारों ओर। बिटिया का जन्म हुए आज 12 दिन हो चुके हैं, तो आज भाभी को सिंदूर भी लगाया गया है और चूड़ियां बदली गई हैं, उनकी पैरों में रंग लगाया गया है। तो आज से भाभी अपना मेकअप कर सकती हैं, केवल रसोई में नहीं जाएंगी, खाना नहीं बनाएंगी, घर में कहीं भी बैठ सकती हैं, अपने रूम से बाहर भी निकल सकती हैं। तो अभी तक तो भाभी हमारी एक रूम में ही रहती थी, अब पूरे घर में रहेंगी, केवल किचन में नहीं जाएंगी और किचन में कोई भी सामान नहीं छुएंगी। तो अब ये एक ही रूम में, थोड़ा सा बोर भी हो गई थी तो कम से कम अब बाहर निकल पाएंगी, बरामदे में बैठ सकती हैं, आंगन में बैठ सकती हैं। पहले ये सिर्फ अपने रूम में ही रहती थी, अब ये अपने रूम में फिर से जा रही हैं क्योंकि अभी पूजा हो रही है 12वें दिन की, जो कि 12वें दिन पूजा की जाती है रस्म रिवाज के अनुसार, तो वही पूजा हमारे यहाँ हो रही है। तो अभी ये अपने रूम में जाएंगी। बिटिया हमारी सो ही रही हैं, ये नहीं जगेंगी जब तक इनको भूख नहीं लगेगी, तब तक ये नहीं जगने वाली हैं, ये सोती ही रहेंगी। और अब भाभी अपने रूम में आ गई हैं। अब पहले से हमारी भाभी बेहतर हैं, पहले से अच्छी हैं, तबीयत इनकी अब सही है पहले से, टाँके भी कट चुके हैं इनके अब, तो इनको बैठने उठने में अब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आराम से बैठ जाती हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि ये हमारे नाउन हैं, जो कि अपना जो भी सामान था इनका सूप में जो ढेरी लगाई गई थी, अपना सामान सब रख रही हैं, जो जो चीज़ें इनको मिली हैं तो ये सारा सामान अपना इकट्ठे करके रख रही हैं। और हम थोड़ा सा अपने घर का मुआयना भी आपको कराते हैं, दिखाते हैं कि हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आए हुए हैं, जो भी मेहमान आए हुए हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं। तो आप सभी लोग देखिए, तो आगे हम जाएंगे जहाँ के बच्चे मस्ती कर रहे हैं, हमारी बहनें भी मस्ती कर रही हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, खुशी का दिन है आज। ये देखिए बिटिया रानी को खिलाया जा रहा है, यहाँ पर म्यूज़िक भी बज रही है और सभी लोग गपशप में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारी छोटी सिस्टर हैं जो कि बिटिया को गोदी में लिए हुए हैं, जगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जगती हैं, आँख खोलती हैं और फिर बंद कर देती हैं। तो देखा आपने, थोड़ा सा इन्होंने आँखें खोली थी और उसके बाद फिर से इन्होंने आँखें बंद कर दी हैं। और हम आगे चलते हैं, ये हमारे बहनों ही हैं जो कि लेटे हुए हैं, आप सब लोगों से हेलो कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे कौन सी मस्ती कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ कोई भी मेहमान नहीं है, ज़्यादा कोई नहीं आया है, हम और हमारी बहन आए हैं। तो ये देखिए,
बहन का बेटा कैसे म्यूज़िक पे डांस कर रहा है। म्यूज़िक हमने बंद कर दी है फ्रेंड्स, तो हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं इनके एक्शन कि ये कैसे एक्शन कर रहे हैं, कैसे मस्ती कर रहे हैं। देखिए आयुष्मान हमारे लेटे हुए हैं और बाबू हमारा आयुष्मान के साथ खेल रहा है। ये देखिए हमारी सिस्टर भी डांस कर रही हैं, तो सब मस्ती कर रहे हैं और सब लोग मेहमानों के आने का वेट भी कर रहे हैं कि जिनको बुलाया गया है, जो दो चार लोग आने वाले हैं हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो दो चार लोग आएंगे तो शाम को हम लोग थोड़ा सा मस्ती करेंगे और थोड़ा सा आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाया गया है, मम्मी ने बुलवाया है तो वो लोग भी आएंगी। तो आप हमारे बाबू की मस्ती देखिए, इनका डांस देखिए, ये कितना मस्त है। और ये हमारी मामी आई हुई हैं, देखिए अपनी बिटिया के कपड़े उतार रही हैं। ये हमारी ब्यूटीफुल मामी हैं। तो देखिए हमारी दो मामी हैं, एक बड़ी एक छोटी। तो बड़ी मामी तो नहीं आई हैं, छोटी मामी हमारी आई हुई हैं और ये देखिए जा रही हैं अपनी बिटिया को लेकर। और ये हमारी छोटी सिस्टर भी आ चुकी हैं, तीसरे नंबर वाली, जो कि बिटिया को कपड़े पहना रही हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और हम सब लोग मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारे सेकंड नंबर वाली बहन है, जो कि बच्चों के लिए कपड़े लेकर आई है, तो अपना वीडियो शूट कर रही हैं, तैयार कर रही हैं बच्चों को। और ये बच्चे बड़े खुश हैं नए नए कपड़े पा के, देखिए बच्चे कितने खुश हैं और ये सेल्फी ले रहे हैं। अभी हम आप लोगों के साथ बहुत सुंदर सा सोहर शेयर करेंगे, जो कि हमारे पड़ोस की आंटी आई हुई हैं और वो गाएंगी, तो हम आप सब लोग को सुनाएंगे। आप सभी लोग सुनिए सोहर गीत और आनंद लीजिए।